पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सूबे के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मंगलवार की दोपहर अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए नाटक कर रहे हैं। सच बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एडवाइजरी कमेटी ने 8 फरवरी को एक बैठक कर ये निर्णय लिया था कि छात्र संघ के वार्षिक सम्मेलन में किसी भी राजनेता, राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टियों से संबंधित व्यक्तियों को आने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी अखिलेश बेबुनियाद आरोप योगी सरकार पर लगा रहे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। पहले तो लग रहा था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से अलग हैं, क्योंकि राहुल झूठ बोलने के मास्टर हैं, लेकिन अब अखिलेश ने भी इसी लाइन को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पहला झूठ है कि उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र संघ के वार्षिक सम्मेलन में आने की परमिशन मिली थी, जबकि उन्हें कोई परमिशन नहीं मिली थी। उनका दूसरा झूठ ये कि योगी सरकार उन्हें साधुओं से मिलने नहीं दे रही। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव प्रयागराज गए थे और संगम में स्नान कर साधुओं से मुलाकात भी की थी। अखिलेश का तीसरा झूठ ये है कि वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अराजकता और हिंसा को लेकर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि सरकार ने निष्पक्ष रहते हुए कार्यवाही की थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है, प्रयागराज में बालसन चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पुलिस पर पथराव भी किया। इस वजह से माहौल को शांत और कंट्रोल करने के लिए पुलिस को पथराव करना पड़ा था। अखिलेश के ना पहुंच पाने पर उनके कार्यकर्ता और युवा साथी ट्रेलर दिखा रहे हैं। ऐसे में यदि अखिलेश पहुंच गए होते तो स्थिति काफी बिगड़ सकती थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है कि योगी सरकार इतने शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से कुंभ मेले का आयोजन कर संचालन कर रही है। Mr. Amit Shah to come, then you don't allow Yogi Adityanath ji to come, then you sit against the Supreme Court, a monitored inquiry for a CBI to interrogate or seek cooperation from your police commissioner and you sit on a dharna. So where is democracy there? So Mamata Banerjee should not teach democracy and Mamata Banerjee should also not teach democracy because we all know in the panchayat elections, more than 200 people died there. They were killed. The Supreme Court also took notice of it. So, I think we don't need lessons from there. प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था मेंटेन करना, वो हम कर रहे हैं। दो तख्तियां भी उन्होंने दिखाई हैं, एक सीएम की, एक डिप्टी सीएम की, जिसमें मुकदमों की फेरिस्त है। उनको ज्यादा है तो कोर्ट में चले जाए।